नमस्कार, आपका स्वागत हमारे इस YouTube के चैनल पर। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या रिएक्शन है आपका। सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला किया। भारतीय वायुसेना ने सूत्रों के अनुसार 26 फरवरी को सुबह करीब 3:30 बजे 12 मिराज भारतीय लड़ाकू जेट विमान ने LOC के पार जाकर आतंकी शिविरों पर हमले किए हैं और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए। 12 मिराज जेट विमान ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हवाई हमले में कई आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। बताया जाता है कि बालाकोटा, मुजफ्फराबाद और चकोटी में जैसे मोहम्मद के कैंपों पर तबाह किया गया, जैसे अल्फा 3 कंट्रोल रूम तबाह किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता मैनेजर जनरल आसिफ कपूर ने दावा किया था कि भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा LOC को उल्लंघन किया है। कपूर ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल ने इसे बड़ी कार्रवाई बताया है। इस हमले में करीब 350 आतंकवादी मारे गए और अब तक का यह सबसे सफल मिशन माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये खबर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को